अगर आपके पास कोई भी ऐसा छत पंखा आता है जिसमें सब कुछ सही है, फिर भी जो पंखा है वो काफ़ी धीरे चलता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक ऐसा पंखा आया है जिसमें सब कुछ सही है, यहाँ पर इसकी वाइंडिंग सही है, साथ में इसका जो कैपेसिटर है वो भी सही है, फिर भी ये जो पंखा है वो काफ़ी धीरे चल रहा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके साथ भी ऐसी समस्या होती है तो आप इसको कैसे सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसकी वाइंडिंग को देख सकते हैं कि जब मैंने इसको यहाँ पे खोला तो इसकी वाइंडिंग बिल्कुल नए जैसी है, न तो वाइंडिंग काली पड़ी है, और यहाँ पे 3 तार की जगह मैंने 4 तार भी निकाल दिए है, और 4 तार से मैंने चेक भी कर लिया कि जो रनिंग और स्टार्टिंग कॉइल है वो आपस में शॉर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे मैंने उसको भी चेक किया तो वो भी यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे जो कॉइल है वो भी आपस में शॉर्ट नहीं है, और जो बैरिंग है वो भी टाइट है, वो भी लूज नहीं है, इसके शाफ्ट भी ख़राब नहीं है, और यहाँ पे इसका जो कैपेसिटर उसको भी चेंज करके देखा तो वो भी बिल्कुल सही है, फिर भी स्पीड नहीं बढ़ रही है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसकी जो रिंग है वो कभी कभार शॉर्ट हो जाती है, तो उससे भी पंखा धीरे चलता है, परंतु मेरे पास ये जो पंखा है इसकी रिंग भी बिल्कुल सही है, और ये जो रिंग है इसका जो स्टेट है इसके बिल्कुल सेंटर में है, न आउट है, न ज़्यादा बाहर है, न ज़्यादा अंदर है, बिल्कुल सेंटर में है। और यहाँ पे इसकी स्पीड के लिए मैंने यहाँ पर एक सोलर भी किया है, अब ये सब कुछ करके मैंने देखा फिर भी पंखा धीरे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी रिंग को भी मैंने साफ करके देख लिया फिर भी धीरे चला है, परंतु जब मैं इसको चेक करता हूँ बिना पंखुड़ी के तो यहाँ पे इसकी ताकत काफ़ी अच्छी है, और इसकी जो स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी है, मतलब इस पंखे के अंदर अभी कोई गड़बड़ नहीं है। अब इसके अंदर जो गड़बड़ है वो ये है कि इसकी जो पंखुड़ी है वो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो पंखुड़ी है इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंड है, जिससे कि जब ये पंखा चलता है तो इसका जो आरपीएम है वो टूट जाता है, इसकी जो स्पीड है वो कट जाती है, क्योंकि इसकी जो पंखुड़ी है वो ज़्यादा बैंड है, जिससे कि इस पर ज़्यादा लोड पड़ता है, जिससे कि इसकी स्पीड कम हो जाती है। तो इसकी स्पीड बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो पंखुड़ी है इसके नीचे में इस साइड में वाइसर लगा लेता हूँ, और वाइसर से इसकी जो पंखुड़ी है उसका बैंड थोड़ा कम हो जाता है, और जब ये कम हो जाता है तो यहाँ पे इसकी स्पीड ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे मैंने सभी पंखुड़ी का जो बैंड है उसको कम करने के लिए इस पंखुड़ी के नीचे वाइसर लगाए हैं। अब यहाँ पे मैं आपको वीडियो के द्वारा नहीं समझा सकता, बस आपको ऐसा करना है कि इसका जो बैंड है वो कम हो जाए, फिर आप अपने पंखे को चला के देख सकते हैं कि आपका पंखा बिल्कुल सही चलेगा। यहाँ पे 5 की स्पीड में आप देख सकते हैं कि पंखे की स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और सही चल रहा है। यदि दोस्तों आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और इस प्रकार के और भी यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।